गुना जिले की सभी तहसील आरीन, राधोगढ़, चाचौड़ा, बमोरी, कुंभराज व मकसूद नगर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। आज आरोन नगर में जिला पर्यावरण अधिकारी सुधांशु तिवारी एवं उनके सहयोगियों के साथ बीपी शर्मा और नगर पालिका प्रभारी और उनके साथ नगर परिषद की टीम द्वारा पर्यावरण को लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दी गई है। उसके तहत आरोन में एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत कई दुकानदारों को चेकिंग के माध्यम से चालान बनाए गए और उन्हें सलाह दी गई कि सिंगल यूज प्लास्टिक बंद कर दी गई है। इसका प्रयोग करना बंद करें और थोक दुकानदारों से लेना भी बंद करें, अन्यथा बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। जबकि नगर परिषद अधिकारी सीएमओ द्वारा आरोन नगर में लगातार लाउड स्पीकर के द्वारा जानकारी एवं सूचना लगातार चलाई जा रही है और जनता से आग्रह किया है कि प्लास्टिक इस्तेमाल करना बंद नहीं किया तो आगे कार्रवाई की जाएगी, जिससे पर्यावरण का बचाव हो सके, देश को बचाना व प्रदूषण मुक्त किया जा सके, जिससे शहर और देश को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। जनता से प्लास्टिक इस्तेमाल बंद करने को कहा और सभी से अनुरोध किया है कपड़े का बैग यूज किया जाए। टीम भारती न्यूज। अच्छा, आज जो पॉलीथीन को लेकर आपने कार्रवाई की है, किसने क्या चालान बनाया, कैसा क्या है? अभी चालान तो मेरे ख्याल से 40 दुकानों में हम लोगों ने रेड डाली है और 40 में से 10 दुकानें ऐसी थी जिन पे अपन को चालान की कार्रवाई करनी पड़ी, बाकी तो पॉलीथीन नहीं मिला। हमने मैसेज अलर्ट किया उन लोगों को कि भाई आप लोग भविष्य में इस तरह की कोई पॉलीथीन सिंगल यूज प्लास्टिक कुछ भी नहीं रखना है आपको, यदि रखोगे तो फिर उसमें आपको जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान जो हमारे पर्यावरण अधिनियम में रखा गया है और मध्य प्रदेश शासन और अपने भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो भी गाइडलाइन दी हैं उनके में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पर अभी यहाँ पे हमने जो 40 दुकानों की कर रेट डाली है उसमें से 10 में ही हमें पॉलीथीन आइटम्स मिले हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक के कैटेगरी में आ रहे हैं। अच्छा, आज जो कार्रवाई की है इसके अलावा आगे भी होगी या? बिल्कुल, ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी क्योंकि ये सतत प्रक्रिया है। हमें पूरे अपने भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना है क्योंकि बहुत ही भयावह है। यही जैसा कि आप लोग टीवी और सोशल मीडिया और सब चीज़ों से अवगत हो रहे हो और सब लोगों को पता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए कितनी खतरनाक और कितनी भयावह स्थिति लेके आने वाली है भविष्य में, इसलिए आज हम लोग यदि सतर्क नहीं होते तो हम खुद इस के उत्तरदायित्व हमारे ऊपर खुद होगा और हम सब इसके शिकार हो जाएंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.